हेलो फ्रेंड्स, मैं पीयूष दीक्षित आप सभी का स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल पीडी स्टडी सेंटर पर। गाइस, आपने पिछली दो वीडियो में वांट और वांट्स के प्रयोग पढ़े हैं। आज की ये वीडियो भी बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, तो स्टार्ट करने से पहले प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, बेल आइकन दबाइए और शेयर कीजिए अपने दोस्तों को, ताकि और भी ऐसी ही अच्छी से अच्छी वीडियो हम आप लोगों के लिए बनाते रहें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं और देखते हैं आज का टॉपिक क्या है। तो आज का टॉपिक हमारा है वांटेड टू, यानी कि वांट के पास्ट प्रयोग, पास्ट सेंटेंसों के हिसाब से। तो वांटेड टू का अर्थ होता है चाहता था, चाहती थी, चाहते थे, चाहा। अब स्ट्रक्चर देखते हैं। सबसे पहले सब्जेक्ट, फिर वांटेड टू, फिर प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, फिर ऑब्जेक्ट, ये अफर्मेटिव का रूल है। फिर उसके बाद नेगेटिव में सब्जेक्ट, डिड नॉट, वांट टू, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, फिर ऑब्जेक्ट। फिर उसके बाद इंटरोगेटिव, डिड प्लस सब्जेक्ट प्लस वांट टू, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और उसके आगे ऑब्जेक्ट। चलिए देखते हैं कुछ सेंटेंसों पर गौर करते हैं। ये हमारा अफर्मेटिव का स्ट्रक्चर आपके सामने है और अब इसी के आधार पर हम सेंटेंस बनाकर देखेंगे। पहला सेंटेंस, आप पेड़ काटना चाहते थे। आप पेड़ काटना चाहते थे। You wanted to cut the tree. You wanted to cut the tree. Next, वे मंदिर जाना चाहते थे। वे मंदिर जाना चाहते थे। They wanted to go to the temple. They wanted to go to the temple. वह कक्षा में पढ़ना चाहती थी। वह कक्षा में पढ़ना चाहती थी। She wanted to study in the class. वॉन्टेड में चाहे सिंगुलर सब्जेक्ट हो और चाहे प्लूरल सब्जेक्ट, सभी में वॉन्टेड ही लगता है। राघव सड़क पर दौड़ना चाहता था। राघव सड़क पर दौड़ना चाहता था। राघव वॉन्टेड टू रन ऑन द रोड। राघव वॉन्टेड टू रन ऑन द रोड। अफर्मेटिव सेंटेंस शायद आप लोगों के समझ में आ चुके होंगे। अब चलिए निगेटिव सेंटेंसों को देखते हैं थोड़ा। ये रहा नेगेटिव का स्ट्रक्चर आप लोगों के सामने। सबसे पहले सब्जेक्ट, फिर डिड नॉट, फिर वांट टू, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, फिर ऑब्जेक्ट। अब यहां से वांट का ही प्रयोग होगा, वांटेड नहीं होगा। तुम बाजार नहीं जाना चाहते थे। सेंटेंस क्या बना, यू डिड नॉट वांट टू गो टू द मार्केट। यू डिड नॉट वांट टू गो टू द मार्केट। तुम बाजार नहीं जाना चाहते थे। नेक्स्ट, हम आलू नहीं खरीदना चाहते थे। हम आलू नहीं खरीदना चाहते थे। सेंटेंस क्या बना, वी डिड नॉट वॉन्ट टू बाई द पोटैटोस। हम आलू नहीं खरीदना चाहते थे। मैं घर पर नहीं पढ़ना चाहता था। मैं घर पर नहीं पढ़ना चाहता था। आई डिड नॉट वॉन्ट टू स्टडी एट होम। आप डिड नॉट को डिडंट भी कह सकते हैं। I did not want to study at home. वह मैदान में नहीं टहलना चाहता था। वह मैदान में नहीं टहलना चाहता था। सेंटेंस क्या बना, He did not want to walk in the ground. He did not want to walk in the ground. Next, वह मुझसे नहीं बोलना चाहती थी। वह मुझसे नहीं बोलना चाहती थी। सेंटेंस क्या बना, सी डिड नॉट वॉन्ट टू स्पीक विद मी। सी डिड नॉट वॉन्ट टू स्पीक विद मी। नेक्स्ट, सगुन पूजा नहीं करना चाहती थी। सगुन पूजा नहीं करना चाहती थी। सगुन डिड नॉट वॉन्ट टू वर्शिप। सगुन डिड नॉट वॉन्ट टू वर्शिप। चलिए अब इसी तरह से कुछ इंटरोगेटिव को देखते हैं आपके सामने। ये रहा इंटरोगेटिव का स्ट्रक्चर, डिड सबसे पहले, फिर सब्जेक्ट, फिर वांट टू, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और फिर ऑब्जेक्ट। सेंटेंस देखिए,
क्या कोमल कक्षा में पढ़ना चाहती थी? सेंटेंस क्या बना इसका? डिड कोमल वॉन्ट टू स्टडी इन द क्लास? डिड कोमल वॉन्ट टू स्टडी इन द क्लास? नेक्स्ट सेंटेंस देखिए, क्या राघव ने जलेबी खाना चाहा? क्या राघव ने जलेबी खाना चाहा? डिड राघव वॉन्ट टू ईट फनल केक? जलेबी को इंग्लिश में फनल केक कहते हैं। क्या वे मंदिर जाना चाहते थे? सेंटेंस क्या बना इसका? ये प्लूरल है। डिड दे वॉन्ट टू गो टू द टेम्पल? डिड दे वॉन्ट टू गो टू द टेम्पल? गाइज, आशा करते हैं आप लोगों को ये वीडियो पसंद आएगी। यदि वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करना, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना, बेल आइकन दबाना और शेयर करना अपने दोस्तों को। गुड बाय, धन्यवाद, टेक केयर।